Subscribe to Computer TechMate's channel and press the bell icon for more computer related tech videos. तो फ्रेंड्स, जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले इंस्टॉलेशन के पहले 32 बिट या 64 बिट वर्जन दिखाई देता है, या अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी आपने देखा होगा मेंशन किया हो रहेगा 32 बिट वाला सिस्टम है, 64 बिट वाला सिस्टम है। लेकिन यह 32 बिट या 64 बिट है क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं क्लियर कर दूंगा 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर होता है। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेकमेट्स, वेलकम बैक टू चैनल। सीधे पॉइंट पे आने से पहले, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अभी 1K तक पहुंचना है और इससे आगे भी जाना है। तो सीधे अगर मैं कहूं तो 32 बिट और 64 बिट एक नंबर गेम की तरह है, और ऑब्वियसली 64 बिट वाला बड़ा नंबर है, इसमें ज़्यादा डेटा को संभाल कर रख सकता है, ज़्यादा पावरफुल है, और 32 बिट वाला सिस्टम जो है वो कम डेटा को संभाल कर रख सकता है, कम एड्रेस को संभाल कर रख सकता है, और ये कम पावरफुल। 32 बिट सिस्टम और 64 बिट आर्किटेक्ट वाला सिस्टम ये आपको बताता है, आपके सीपीयू को बताता है कि आपका सीपीयू कितना मेमोरी को संभाल कर रख सकता है, कितना एड्रेस को संभाल कर रख सकता है। फॉर एग्जांपल, एक 32 बिट वाला जो सिस्टम होता है वो 4GB रैम तक संभाल सकता है, 4GB एड्रेस या 4GB मेमोरी को संभाल कर रख सकता है। लेकिन एक 64 बिट वाला सिस्टम 4GB रैम नहीं, 264 मेमोरी एड्रेस, इसका मतलब 18 क्विंटल GB एड्रेस तक संभाल कर रख सकता है, 18 क्विंटल GB रैम जो डेटा है उसको संभाल कर रख सकता है। अब थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि 64 बिट वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा डेटा को संभाल कर रख सकता है, और 32 बिट वाला जो सिस्टम है वो कम मेमोरी, कम एड्रेस, कम डेटा को संभाल कर रख सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, 32 बिट वाला जो आर्किटेक्चर वाला जो सिस्टम था वो 1919 के टाइम स्टार्टिंग हुआ था यूज करना, और उस समय सारे कंप्यूटर पर 32 बिट वाला आर्किटेक्चर वाला सिस्टम ही यूज किया जाता था। उस समय 32 बिट एक प्राइमरी सिस्टम के रूप में था, और जितने भी सारे सॉफ्टवेयर थे, जितने भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे उस समय 32 बिट वाले सिस्टम में थे, और उस समय सारे कंप्यूटर में ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज किया जाता था। उसके बाद 64 बिट आर्किटेक्ट वाला सिस्टम 1961 के बाद, जब IBM ने अपना स्क्रैच 730 सुपर कंप्यूटर डेवलप किया, उसके बाद 2000 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना विंडोज XP का 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, उसके बाद 64 बिट वाला जो आर्किटेक्ट था वो सारे सिस्टम सारे कंप्यूटर पर यूज किया जाने लगा। और अब जो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुए हैं, जैसे कि विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, विंडोज 10 प्रो, वो सारे 64 बिट वाले सिस्टम हैं। और अब जितने भी सारे लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं, जितने भी सारे PC असेंबल हो रहा है, वो सारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है। और अब जितने भी सारे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर आने वाले हैं फ्यूचर में, वो सारा 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर और 64 बिट आर्किटेक्ट वाला ही आने वाला है, क्योंकि अभी का जो कंप्यूटर है, अभी का जो सॉफ्टवेयर है वो 32 बिट वाला आर्किटेक्ट में रन नहीं हो पाएगा, वो उतने एड्रेस को, उतने डेटा को संभाल नहीं सकता है। उसके बाद 32 बिट और 64 बिट सिस्टम में एक बड़ा डिफरेंस है इसका क्लॉक स्पीड, जो कि आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को दिखाता है, और किसी भी सॉफ्टवेयर को सही से रन करने के लिए, फास्टली कैलकुलेशन करने के लिए क्लॉक स्पीड होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 64 बिट वाले में जो सिस्टम था उसमें 32 बिट के कंपेयर में ज्यादा फास्टली कैलकुलेशन होता था, क्योंकि उसका क्लॉक स्पीड ज्यादा था। उसके बाद 32 बिट और 64 बिट सिस्टम में तीसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो है इसका रैम। 32 बिट वाला जो सिस्टम है वो 4GB रैम तक सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा किसी भी कंप्यूटर में अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट वाला सिस्टम है, तो उसमें 4GB रैम होगा या उससे कम का होगा, उससे ऊपर 4GB रैम के ऊपर 32 बिट वाला सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, संभाल नहीं सकता डेटा को। और 64 बिट वाला जो सिस्टम है वो 4GB से कहीं ज़्यादा, इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो भी सारे लैपटॉप या कंप्यूटर लॉन्च हो रहे हैं वो 64 बिट वाले हो रहे हैं, और उसमें आपको 8GB, 16GB, 32GB या उससे ऊपर वाले रैम देखने को मिल रहा है। तो 64 बिट वाला जो सिस्टम है वो इतने, यानी कि 4GB रैम से ज़्यादा डेटा को संभाल सकता है, 4GB रैम से ऊपर सपोर्ट करता है। उसके बाद आजकल जितने भी सारे कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, 64 बिट आर्किटेक्ट वाला सिस्टम रहता है, क्योंकि आज के डेट में जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन है, उसका फाइल साइज इंक्रीज हो गया है,
वो 32 बिट में रन नहीं कर सकता है। आज का जो भी एप्लीकेशन है वो ज़्यादा डेटा को संभाल कर रख सकता है। और सबसे पहली बात कि अगर विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 32 बिट वाले सिस्टम पर रन नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको 64 बिट वाला सिस्टम होना ज़रूरी है, तभी आप विंडोज़ 10 या और दूसरे एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गेमिंग करते हैं, ऑटो कैड वगैरह एप्लीकेशन चलाना हो, GTA 5, PUBG, कॉल्स ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलना हो, तो उसके लिए 64 बिट सिस्टम ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारे जो हाई ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर हैं, हाई ग्राफिक्स वाले जो गेम हैं, वो 32 बिट वाले जो सिस्टम है उसको रन नहीं कर सकता, उसमें सपोर्ट नहीं करने वाला है। उसके बाद 32 बिट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो 64 बिट वाला जो आर्किटेक्ट वाला सिस्टम होता है उसमें रन कर सकता है, लेकिन एक 64 बिट वाला जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 32 बिट वाले आर्किटेक्ट वाले सिस्टम पर रन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, 32 बिट और 64 बिट वाले सिस्टम में ये 3-4 डिफरेंस था। और मैं बोलूँगा कि अगर आप अभी एक न्यू लैपटॉप ले रहे हैं या न्यू कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, तो बेटर यह होगा कि 64 बिट सिस्टम वाला ही लें। तो बस फ्रेंड्स, ये था 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा, सारी चीज़ें 32 बिट 64 बिट में जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं कमेंट कर रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।